वही हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर से चार दिन पहले लापता हुई नाबालिग बच्चियों के घर विधायक सुमित हृदेश पहुंचे, जहां विधायक सुमित हृदेश ने लापता बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बात की, SSP खुद इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि नैनीताल पुलिस जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। नहीं देखिए, पुलिस प्रशासन से लगातार मेरी वार्ता चली है इस विषय में और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि पूरी उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी टीमें हैं, स्वयं कप्तान साहब इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी मेरे परिवार के सामने भी मैंने उनसे फ़ोन पे वार्ता करी, उन्होंने मुझे आश्वस्त करा है कि जल्द से जल्द बच्चों को खोज के पुलिस यहाँ पर ले आएगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष एक पूरा कृत्य हुआ है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मेरी खुद 13 साल की बेटी है, सोचने का विषय है कि 13 साल 14 साल की बच्चियां अपने घर से बिना कपड़े लगते ले गए, बिना 2 रुपये उनके पास पैसे नहीं थे और ऐसे लापता हो गई। और ये वाकई में सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि नैनीताल पुलिस अवश्य इसमें खुलासा जल्द से जल्द करेगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं कल से देख रहा हूँ कि इस पर राजनीति करने का प्रयास करा जा रहा है। मैं कल से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन जो हैं वो जाके हाउ हल्ला कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें ये विषय मिलता है जहां पे धार्मिक उन्माद का उछाल कर सकें वहां अवश्य वो बहुत ज़ोर से। देखिए, बेटियों के लिए न्याय मांगना बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले काम कोई अगर ये करता है तो हम लोग करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि हमारी ये भी बच्चियाँ हैं, एक ऐसी हमारी बेटी इस प्रदेश की अंकिता भंडारी, उसके न्याय के लिए भी एक दिन अगर ये थाने का घेराव करें, कहीं पे पुतला दहन अपनी सरकार का करें या VIP का खुलासा की अगर ये मांग करें तो मैं मानूंगा कि हर दृष्टि से सर्व समाज के लिए इनकी सोच।